बोनी कपूर की लाडली जानवी कपूर हमेशा अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। उनके बोल्ड और हॉट लुक्स के फैंस दीवाने हैं। अब हाल ही में उनका एक और बोल्ड लुक सामने आया है, जहां अवार्ड नाइट में पहुंची जानवी ने पेपराजी को कैमरा उन पर रखने के लिए मजबूर कर दिया था। जानवी इस दौरान थाई हाई स्लिट बैकलेस ड्रेस में नजर आईं, जिसने सोशल मीडिया पर पारा हाई कर दिया है। जानवी कपूर हाल ही में हुई एक अवार्ड नाइट का हिस्सा बनी थी, जिसमें वो थाई हाई स्लिट बैकलेस ड्रेस पहनकर पहुंची थी। इस ड्रेस में दोनों तरफ कटआउट्स लगे हुए थे, साथ ही फ्रंट में भी कट था। इसके अलावा बैकलेस ड्रेस में पीछे की ओर से कई स्ट्रिप्स थी, जिसमें नीचे की ओर भी एक कट था। जानवी इस लुक में बहुत हॉट, बोल्ड और ब्यूटीफुल लग रही थी। जानवी के इस लुक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। यूजर्स का एक सेक्शन जहां जानवी कपूर की तारीफ कर रहा है और ये कह रहा है कि एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवी को उनकी बोल्ड चॉइस के लिए बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें जमकर बुरा भला भी कह रहे हैं। जानवी कपूर के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो जल्द ही वरुण धवन के ऑपोजिट फिल्म बवाल में नजर आएंगी। इसके अलावा राजकुमार राव के ऑपोजिट जानवी कपूर मिस्टर एंड मिसेज माही में भी दिखाई देने वाली हैं। शाहरुख खान इन दिनों कश्मीर में अपनी अपकमिंग फिल्म डंकी की शूटिंग में बिजी हैं। वो यहां अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, जिसमें उनकी को स्टार तापसी पन्नू भी शामिल हैं। शूटिंग के दौरान सेट से फिल्म के कुछ वीडियोस लीक हो गए हैं, जिसे फैन पेजेस पर लगातार शेयर किया जा रहा है। वायरल हो रहे डंकी की शूटिंग के दौरान के इस वीडियो क्लिप में शाहरुख खान और तापसी पन्नू आउटडोर लोकेशन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके आसपास कुछ दुकानें भी नजर आ रही हैं। खबरें हैं कि ये दोनों सितारे फिल्म के गाने की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे हैं। कश्मीर से वायरल हो रही एक फोटो में शाहरुख खान ब्लैक जैकेट और मैचिंग सनग्लासेस में काफी डैशिंग लग रहे हैं। ट्विटर पर लुकिंग खान की फोटो यहां से वायरल हो रही है, उसमें वो अपने फैंस के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। एक फैन ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, लेटेस्ट अपडेट, शाहरुख खान, तापसी पन्नू और विक्की कौशल ने आज कश्मीर में सोनमार्ग में डंकी की शूटिंग पूरी की। आपको बता दें कि राजकुमार हिरानी के निर्देशन में पहली बार शाहरुख खान काम कर रहे हैं। डंकी में तापसी पन्नू और विक्की कौशल भी नजर आएंगे। दिसंबर में ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी। शाहरुख खान आखिरी बार पठान में नजर आए थे। डंकी के अलावा एटली की अपकमिंग एक्शन फिल्म जवान भी किंग खान की अपकमिंग फिल्म है। वैसे इन सारी फिल्मों में से आप किस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आलिया भट्ट कुछ भी करे वो सुर्खियों में आ ही जाती हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स की रात में बॉलीवुड सितारों ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए और आलिया भट्ट ने तो अपने लुक से लोगों के होश ही उड़ा दिए। एक्ट्रेस के इस लुक की लोग अब लगातार तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर आलिया के इस लुक की बहुत चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि आलिया भट्ट हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स में पहुंची और इस अवार्ड नाइट में उनका लुक शानदार रहा। एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें वो काफी ग्लैमरस लग रही हैं। उनका ये लॉन्ग गाउन काफी ब्यूटीफुल था। आलिया ने अपने बालों को एक बन में बांध रखा था। जिस तरह से उन्होंने अपना आउटफिट कैरी किया वो वाकई में काफी अच्छा था। साथ ही आलिया ने ग्लोई मेकअप भी किया हुआ था, जिसमें वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी लाइफ के काफी शानदार फेज में हैं। एक्ट्रेस इन दिनों पति रणबीर कपूर के साथ बेटी की परवरिश कर रही हैं। इसके साथ ही आलिया ने बेटी के जन्म के बाद अब वर्क फ्रंट में भी काफी अच्छे तरीके से वापसी कर ली है। अब वो एक बार फिर अपनी प्रोडक्शन कंपनी के लिए एक शानदार घर खरीदने को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। वैसे आलिया का ये लुक आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। जिया खान की फांसी पर लटकी लाश को उनके घर से बरामद हुए 10 साल हो गए हैं। उनके लवर और एक्टर सूरज पांचोली पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई हो गई है और इस केस में आज बड़ा फैसला भी आ गया है। जिया की मां राबिया खान ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को आए दिन मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता था, जिसके लिए उन्होंने सूरज पांचोली को दोष दिया था। राबिया के मुताबिक जिया की हत्या की गई थी, आत्महत्या नहीं। 25 साल के जिया का शव 3 जून 2013 को जुहू स्थित उनके घर से बरामद किया गया था।
आज सीबीआई कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। आपको बता दें कि जिया खान सुसाइड केस में सूरज पांचोली को बरी कर दिया गया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है। 10 साल के इंतजार के बाद ये फैसला आया है और सूरज पांचोली को इस केस से बरी कर दिया गया है, यानी कि वो इस केस में गिल्टी नहीं है। इस केस की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि 2013 में सुसाइड से कुछ महीने पहले एक्ट्रेस जिया खान प्रेग्नेंट हो गई थी। चार्जशीट में इस बात का दावा किया गया था कि जिया खान के बॉयफ्रेंड सूरज पांचोली ने उन्हें अबॉर्शन के लिए दवाई दी थी। इस बात का भी दावा किया गया था कि फीटस को भी सूरज पांचोली ने ही टॉयलेट में बहाया था। सीबीआई का दावा था कि जिया को प्रेगनेंसी के बाद 4 हफ्ते बाद पता लगी थी, जब उन्होंने इसकी जानकारी सूरज को दी थी। इसके बाद सूरज जिया को अबॉर्शन के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गए थे। ये पूरा मामला काफी शॉकिंग था, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था।